अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में, जो आप हर हफ्ते पीर मंगल और जुमेरात वाले दिन 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से तावन से पेश किया जा रहा है। सामीन, जेनिक्स फार्मा दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाज मालजे के हिस्सों में जदीद मेयार की अद्वियात फराहम कर रही है और जेनिक्स फार्मा 2004 में वजूद में आई और इस वक्त 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज इस वक्त उनके साथ एसोसिएटेड हैं। और अगर हम बात करें तो इस वक्त जेनिक्स फार्मा 600 से ज़ायद SKUs पर काम कर रहा है और जेनिक्स फार्मा इस वक्त मलेरिया, जहनी बीमारियाँ, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियाँ, बच्चों की बीमारियाँ, हड्डियों के इलाज, गाइनी, गैस्ट्रो और तमाम किस्म की एंटीबायोटिक की अद्वियात बना रहा है। और अगर हम कहें तो 26 ममालिक में इस वक्त जेनिक्स फार्मा अपनी अद्वियात की एक्सपोर्ट भी कर रहा है। सामीन, हम आज से हर हफ्ते एक जहनी मुहिम, हमने जहनी सेहत की आगाही मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें जेनिक्स फार्मा मेन स्पॉन्सर है इसमें, और इसका मेन टॉपिक है आओ बात करें। इंसान का दिमाग इस वक्त पूरे जिस्म का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है तो या फिर कभी उदास हो जाता है या मायूस होने लगता है और ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी को के मुस्बत पहलू पर फोकस करना भूल जाता है, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। सामीन, जिस तरह जहनी जिस्मानी सेहत अहम है, इसी तरह जहनी सेहत भी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, FCPS, FRCP आयरलैंड एंड FRCP डीन साइकेट्री CPSP। सामीन, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माई शो जान है तो जहान। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का बहुत ही अहम मौजू है आओ बात करें। मैं चाहूँगी कि हम अपने सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आओ बात करें से क्या मुराद है। बात तो हर कोई करता है। हाँ, दरअसल ये बात यह है कि लोग उल्टी दस्त कहते हुए तो नहीं शर्माते, लेकिन ज़हनी मसाइल का इजहार करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि ज़हनी बीमारियाँ दबा हैं, बल्कि ज़हनी मौलजीन, ज़हनी बीमारियाँ उससे मुतासर होने वाले मरीज, इनको जो है इस तरह से डिपिक किया गया है लतीफ़ों की शक्ल में, जिसकी वजह से लोग इसका इजहार नहीं करते और छोटे छोटे मसले भी, मसलन घबराहट, बेचैनी या उदासी का इजहार करते हुए वो महसूस करते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। दरअसल हम साइकेट्री या नफ्सियात की जो मसाइल हैं वो 98% तो वो हैं जिसका साइकोसिस से ताल्लुक नहीं है। मसलन बंदा जो है घबराया हुआ है, बेचैन है, तकरीर करते हुए शर्माता है, या फिर ये कि लोगों के पास फ्रंट पे आने में शर्माता है, या जहाज़ में लिफ्ट में खौफ ज़दा होता है, ये इसको ऑब्सेशन होता है कि बार बार एक ख्याल आ रहा है, बार बार हाथ धो रहा है, तसल्ली नहीं हो रही है, मंशियात का इस्तेमाल, ये सारी जो मसाइल हैं मसलन। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि हम लोग रिवाजी बहुत हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ ये बोला जाता है कि आई एम फाइन। हम हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हम किसी से भी पूछें क्या हाल है, सब क्या खैरियत है, तो ये ना खैरियत किसके पास है, तो लिहाजा और ख़त भी लिखेंगे तो यहाँ पर सब खैरियत है और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ, ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे दीगर हवाल ये कि फलाम मर गया। तो हम लोग जो है एक्चुअल ट्रू रिप्रजेंटेशन ऑफ वो नहीं करते,
और हमारे अंदरूनी फीलिंग जो है उसका इजहार नहीं करते। आप किसी से पूछें क्या हाल है, सब खैरियत है, हर महकमे से अच्छी रिपोर्ट जा रही थी कि मुल्क के जो है सारी चीज़ें ठीक हैं और 93 बिलियन डॉलर कर्जा आ गया, डूब रहा है, अभी सब खैरियत है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये जो चीज़ है, इस लिहाज से हम अगर महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ देखें कि भाई मुंह क्यों सूजा हुआ है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ तो है ना, तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जज्बात का इजहार अच्छे स्टाइल में करना सीखें, बात करके। जी बिल्कुल, आओ बात करें, यकीनन बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, जहनी सेहत की हम बात करते हैं, तो ये जहनी सेहत से क्या मुराद है? हम जिस्मानी सेहत तो समझते हैं कि ठीक है, क्या होती है, लेकिन जहनी सेहत क्या है? कि ये वाकई ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जैसे जिस्मानी सेहत अहम होती है, तो जहनी सेहत भी इतनी ही अहम है? देखिए, सेहत की जो डेफिनेशन है WHO ने जो बनाई, उसकी उर्दू कुछ यूँ है कि सेहत ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें जिस्मानी, नफसियाती और समाजी आसूदगी हो। तो इसमें जो नफसियाती पहलू है और समाजी पहलू, उसके बगैर जिस्मानी तौर पर बंदा फिट नहीं है, सेहत वरना अधूरी है मसलन। और लेकिन जब जहनी सेहत की बात की जाए तो उसके लिए एक अच्छी डेफिनेशन जो बनाई है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने, बहुत जामा किस्म की है, और वो अगर हर शख्स समझ ले तो ये बहुत सारे मसाइल हल होंगे। उसके मुताबिक जहनी कैफियत या जहनी खुशहाली या सेहत ऐसी कैफियत का नाम है, चार ऐसे हैं उसके, कि इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो कि मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, मैं उसको उजागर करूँ, और खामियाँ क्या है उस पर काबू पाऊँ। नंबर दो, रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आजमा होने की सलाहियत रखता हो। मसलन आप जा रहे हैं, जैसे मेरे आज 3-4 काम हैं, तो प्रायोरिटाइज करके मैं जो है उस स्ट्रेस से नॉर्मलाइज करके एक अच्छी तरह से डील करूं, रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आजमा होने की सलाहियत रखता हूं। नंबर तीन, मुफीद और समरमंद काम करे। जो बंदा मुफीद और समरमंद से मुराद है कि फ़ायदे वाले काम ना करे, तो ही इज़ नॉट हेल्दी, मेंटली नॉट हेल्दी। और नंबर चार, उससे भी कहीं ज़्यादा, कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में एक फाल किरदार अदा करे। अगर इफ समबडी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज फैमिली, कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही इज़ वर्किंग, उस इदारे में, उस मुल्क में, उस कुंबे में जहाँ रह रहा है, उसको अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो हेल्दी नहीं है। तो ये बहुत जामा किस्म की 10 किस्म की चीज़ है कि हर शख्स अपने मुल्क को, एक दूसरे के लिए, अपने मोहल्ले को कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने। आई थिंक ये बड़ा सबसे अहम है कि एक इंसान मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं, कि एक इंसान एक वक्त में सब लोगों का ख्याल किस तरह रख सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैं आज उदास हूँ बहुत ज़्यादा, फिर हम हर दिन कहने लगते हैं कि हम उदास ही हैं, हमें फीलिंग ही ऐसी रहने लगी है कि हम उदास हैं सिर्फ, और समटाइम ऐसा होता है हमें हर चीज़ में घबराहट हो रही है कोई भी काम करना। आपने कहा ना कि जैसे आज आपके 4 काम थे, ठीक है, लेकिन आपका पहला काम दिन का आज का शो था और आपने इसको प्रायोरिटाइज किया, अभी आपने बैक ऑफ द माइंड बाकी 4 काम को रोका हुआ है, ठीक है। तो हम अपने आप को कैसे पता करें कि हमें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है? इन दोनों में फ़र्क शायद हम नहीं महसूस कर पाते, तो मैं चाहूंगी कि इन दोनों का फर्क बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा बहुत घबराहट होना, थोड़ा उदास होना, ये नॉर्मल है। मसलन किसी ने मुझे गाली दी या कुछ बुरा रवैया रखा, मैं वक्ती तौर पर उदास हो गया। अच्छा, एक बात ये भी बताऊं कि वी ऑल आर वल्नरेबल टू डिप्रेशन। हम जब जिंदगी दुनिया में आते हैं तो रो के आते हैं, और जब जाते हैं तो दूसरे रोते हैं, हम बस चुप होते हैं। तो लिहाजा हम सबको जो है वल्नरेबिलिटी टू डिप्रेशन है, लेकिन हमारा थ्रेशोल्ड हाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास ना एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, और सामीन हम वापस आते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, और आज का बहुत ही अहम टॉपिक है, आओ बात करें। आप भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. हर हफ्ते बाजार में बढ़ती कीमतों से आप भी परेशान हैं? जी हाँ, अब HBL महारा आमदन सेविंग्स अकाउंट की बदौलत इस बढ़ती महंगाई में घर बैठे मिले 14% तक इजाफी महाना आमदन, ताकि आप कर सके अपनी खरीदारी तसल्ली से। आज ही अपना HBL महारा आमदन सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। मजीद तफसीलात के लिए 111-111-425 पर रब्ता करें। जहाँ खाब वहाँ HBL। शराइत और ज़वाबित लागू है। I put my wrist in the line.
आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड ही इज़ आल्सो अ डीन सेक्रेटरी CPSP। डॉक्टर साहब, पहले एक कॉल हम शामिल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। बाजी हसन नाम है मेरा। जी हसन साहब। हेलो। हेलो जी हसन साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ बाजी, मैं कोई सवाल तो फिलहाल नहीं करना चाहता, एक तजवीज करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। जी हम हमें तकरीबन 15-20 दिन हुए फ्लड से, अंदरून सिंध से। जी तो यहाँ पर मैं, मुझे काम तो मिल गया है यहाँ पर एक सिक्योरिटी कंपनी में, तो बात यह है कि मुझे कल से बुखार हो गया है, रात से सर में दर्द और हल्का सा बुखार और ये हुआ है। तो मैंने सुबह दो पेनाडोल एक्स्ट्रा और उसके साथ ये ORS भी लिया है, तो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ये इसकी दवाई मुझे बता दें, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इतना मेरे पास पैसे नहीं है। ओके जी। जी डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी बात इनकी हेल्प कर सकें। दरअसल बात ये है कि इसमें मैं बल्कि सारा जो आपने फ्लड की बात की, अब इस मौके पे बहुत ज़्यादा चूँकि पानी वानी है तो उसकी वजह से मच्छरों का बड़ा इम्कान है, और पानी साफ न मिलने की वजह से लोग जो पी रहे हैं पानी वो शायद फिल्टर शुदा ना हो, या उसको वो क्या कहते हैं गर्म करके उसको जो है जरासीम नहीं मारने का मौका में नहीं मिला हो, तो बहुत सारी बीमारियां जिसमें मलेरिया, डेंगी और साथ में जो है डायरिया यानी जो है दस्त वगैरह, इनका बड़ा इम्कान है गला ख़राब होने का। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि रोकथाम पे बात की जाए कि इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें, और कम से कम आप हाफ स्लीव वाले कपड़े ना पहने कि मच्छर न काटें आपको, कि बहुत सारा इम्कान है कि ये बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैलेंगी, और अगर इर्द गिर्द हमने सफाई का ख्याल रखा तो मच्छर और दूसरी जरासीम फैलेंगे नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि एंजाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क कैसे महसूस करें। अच्छा, एंजाइटी पर दरअसल जो कैफियत हम वायवा में या इंटरव्यू के दौरान होता है कि दिल घबरा रहा है, हाथ कपकपा रहे हैं, मुँह खुश्क हो रहा है, बेचैनी है और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड क्या हो जाएगा, जैसे इम्तिहान में फेल होऊंगा पास हो जाऊंगा, ये एंजाइटी की कैफियत है। और जो उदासी वाली है उसमें मुसलसल तबीयत उदास होना और साथ साथ एनर्जी की कमी का स्लो हो गया है, और दिलचस्पियां जो पहले थी उसमें कपड़ों में, किताबों में, यार दोस्तों में, वो कम हो जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो ओवर रेसिंग हो जाती है यानी आप एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं, जो वो है एंजाइटी है, और इसमें स्लो हो जाता है बंदा। तो इसमें जो एंजाइटी में बंदा बहुत फिक्रमंद होता है कि ये ना हो जाए, खाना कम ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए, वो ना हो जाए, बेटा गया है वापस आ जाएगा नहीं आएगा, ये एंजाइटी। और जो इसमें यह है कि मैं सुस्त हूँ, दिलचस्पी नहीं है, कि जाने दो जो हो रहा है सो होते हैं, ये डिप्रेशन है, यानी हर छोटी चीज से परेशान होना है एंजाइटी। हाँ, और डिप्रेशन के लिए जरूरी है कि दो हफ्ते तक मुसलसल तबीयत उदास हो और साथ में दिलचस्पी और एनर्जी की कमी हो, और जबकि एंजाइटी के लिए एक महीना है कि कम से कम एक महीना बड़ा बेचैन। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल की जिंदगी तो इतनी भाग दौड़ वाली है कि मुझे लगता है एक महीना, हम तो लगता है जैसे ही बड़े होते हैं क्या स्कूल जाने लगते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी कनेक्ट हो जाती है लाइफ से। उसकी वजह यह है कि हम लोग इंड्यूस करते हैं बच्चे में कि चुप हो जा, चुड़ैल ले जाएगी, जो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और ना तो बजाय ये कि उसको जो हम इनक्रेज करें कि वो फेस करे, हम इंड्यूस करते, तकरीर के लिए आता है तो सारे दोस्त वगैरह हूटिंग करके उसको घबराहट कर, तो एक्चुअली और फिर इसी तरह बच्चे को कहेंगे कि चुप हो जाओ बड़े से बात कर रहा है, शर्म नहीं आती, उसमें शर्म इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसकी वजह से जब वो स्टेज पे आता है तो उसको फिक्र होती है कि गलत ना मुझे निकल जाए, ये ना हो जाए, फिक्रमंद रहते हैं। तो इस पे जो है, और ये बुलिंग के पता नहीं ये मुझे मेरी इस बात पे लोग मुझे टोक ना दें, तो ये जहन में रखना चाहिए कि हम इंसान, गलती भी होती है,
बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, फिर बाद में संभल जाते हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। मेरा 8 साल का बेटा, उसने मुझे ग्लासेस उसके लग गए। अब उसको हर वक्त शर्म आती थी कि नहीं लोग पता नहीं कहेंगे, स्कूल में नहीं पहनता था। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने उसको कहा कि नहीं आप देखो आपको साफ नजर आ रहा है, कोई आपको आप पहन के रखो, एक दिन ट्राई करो, कोई फ्रेंड कोई कुछ कहेगा। फिर नहीं कहता, नहीं मामा सबने कहा बहुत सूट कर रहा है। तो मैंने कहा बस, तो बस वो दिन है तो आप पहनता है कंटिन्यूस। हाँ, वो लोग जो है मफरूजे बना लेते हैं और खामखा इसमें फिक्रमंद होते हैं कि पता नहीं ये खाना सही पड़ेगा नहीं, ये सवाल ठीक आएगा नहीं, मैं सही बोल पाऊंगा नहीं, गलत ना निकल जाए। बस जहन में आया तो निकल गया, तो क्या हो जाएगा? अगर एक बार गलती हो गई तो फिर जो है दुनिया के बड़े बड़े लोग थे जिनसे गलतियाँ होती हैं और फिर उसके बाद संभल के ऊपर जाते हैं। तो एक नाकामी से नहीं घबराना चाहिए, और दुनिया में ये दुनिया है, जन्नत तो है नहीं कि हर शट एक्यूरेट तो नहीं होगी, तो लिहाजा कामयाब शख्स वो है जो नाहमवार हालात में साबित कदमी से चले। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमें एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन भी हो रहा था, तो हम स्टार्टिंग में हम फैमिली फ्रेंड्स या माँ बाप एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, उस सिचुएशन को पॉजिटिव बना के हम उसको, जो मरीज है, या मैं यही कहूँगी कि जहनी सेहत ख़राब होना भी इंसान मरीज़ ही हो जाता है, हम ये अभी तक स्टिग्मा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं, कि हमें अब वाकई लगे कि हम खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो छोटे मोटे मसाइल जैसे कि घबराहट है, बेचैनी है, थोड़ी उदासी है, ये तो किसी से बात करके या अपने साथी या अजीज़ या घर के फैमिली मेंबर या दोस्त से बात की के उससे वेंटिलेशन हो जाती है। और इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि अगर आप किसी को 6 बार लतीफ़ा सुनाएं, 7वीं बार पे असर ख़त्म हुआ, या किसी या वालदा फौत होती है, हम उसके लिए जाते हैं ताज़ियत के लिए, तो शुरू में तो रो रहा होता है, 8वीं 7वीं 8वीं बार पे आंसू डिटैच हो जाते हैं, 10वीं बार पे वो बोर होने लगता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तो हम जो है वेंटिलेट करते हैं। तो ये तो छोटे से मसले, लेकिन अगर वो इस कदर शदीद हो कि मॉडरेट टू सीवियर हो जाए कि बंदा काम नहीं कर रहा है, उसको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, या इतना इस कदर है उसकी कारकर्दगी ख़राब हो रही है, ख़ासतौर पर ये कि उसकी शिद्दत में ज़्यादा हो, दौरानिया ज़्यादा हो कि 2-4 दिन चलो फेल हो गया कोई मसला नहीं, या मंगनी टूट गई 2-3 दिन ठीक है, लेकिन अगर वो मुसलसल ज़िंदगी का ये नाकाम समझ रहा है, जैसे मैं अगर वही पॉजिटिव पहलू देख ही नहीं रहा है कि मिसाल के तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा अगर बेवा नहीं होती, तिजारत नहीं करती, तो हुजूर से वास्ता कैसे पड़ता? कैसे मुलाकात? तो ये जहन में रखें कि वन फेलोअर डज नॉट मीन ऑलवेज फेलोअर, हो सकता है इससे बेहतरी वो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे आर्मी में जब मैं इंटरव्यू के लिया नहीं लिया, मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे बड़ी मौका दिया कि कुछ 70 मुल्क देखे, 22 ग्रेड में मैं गया, जो कि एक अल्लाह की मेहरबानी थी, वरना उस वक्त हम फिक्रमंद थे कि क्यों, मेरे वाले साहब को बहुत शौक था कि मैं जाऊँ। तो जहन में ये रहना चाहिए कि जब ऐसी कैफियत हो और वो मुसलसल हो और उसकी कारकर्दगी ख़राब हो, तो फिर जो है डॉक्टर के पास जाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। और इसकी ऐसी ही मिसाल है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल या ऑयल ना हो और विल पावर से, घर वाले कहते हैं विल पावर से ठीक हो, विल पावर से नहीं चलेगी गाड़ी जब तक उसका ऑयल और जब तक उसका पेट्रोल ना हो, या अगर आप कहें कि मैं बीज डाले बगैर दुआ से फसल उगाऊ नहीं होगी, जब तक अच्छा खाद ना हो, हाँ तो आप जब तक वो बीज डालेंगे, तो इसलिए जो बीमारी की शिद्दत होती है, दिमाग के जो सेरोटोनिन और दूसरे केमिकल कम हो जाते हैं उस वक्त, और उसमें कारकर्दगी बहुत ख़राब होने लगती है, शिद्दत में इजाफा होता है, तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास रुजू करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली जब हम साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं या फिजियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो लोगों को ना सबसे पहले एक डर होता है कि इनके पास जाएंगे तो ये हमें ऐसी अद्वियात पर डाल देंगे जो हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं, तो वो नहीं जाते। तो हाँ, मैं चाहती हूँ आप उनको ये समझाएं कि ज़रूरी नहीं है कि जाते ही आप दवाई लिख कर दे देंगे, बात हम करेंगे। जी, दरअसल बात ये, साइकोलॉजिस्ट जो है वो बातचीत से, कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें फहम ठीक करते हैं, या एनालिटिकल थेरेपी की उसमें बात सुनते हैं, वेंटिलेट करते हैं, या बिहेवियर थेरेपी से ठीक करते हैं। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि अब ये शख्स जो है इसकी वजह से इसके बड़े नुकसान होंगे, अगर ये जॉब पे नहीं जाएगा या कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, तो सास के साथ जो झगड़ा है ये और
मुसीबत का बायस बनेगा, तो लिहाजा उस सूरत में दवाई में हम देते हैं एहतियात से, और वो ऐसी दवाइयां हैं। अच्छा, पहले चूंकि कोई 1940 के बाद दवाइयों का साइकेट्री का वजूद आया है, तो उससे पहले तो दवाइयां थी नहीं, तो अब इससे इनकलाब आ गया। पहले कहते थे नशा और ख्वाब और दवाइयां देती आदत बनाती, हमारी जो डिप्रेशन की दवाइयां हैं दे आर नाइदर माइनर ट्रैंक्विलाइजर नॉर मेजर ट्रैंक्विलाइजर, ये आदत नहीं बनाती। और ये न सिर्फ आपकी उदासी ठीक करती है बल्कि आपकी सोच और पॉजिटिव और साथ साथ आपकी याददाश्त को कंसंट्रेशन को ठीक करती है, चुस्त करती है। तो लिहाजा हम जो दवाई देते हैं, अच्छे से लोग फिर बड़ा वो डरते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई तो सारी उम्र, आर्थराइटिस की दवाई सारी उम्र खाएं। हम कहते हैं हमारी दवाई जो है 6 से 9 महीने खाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं इसकी मिसाल यही दूंगा कि पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम क्यों नाकाम होती, लगा के छोड़ देते हैं। अगर उसको 9 महीने पानी दिए जाए, माँ के पेट में 9 महीने बच्चे को रहने देंगे तो वायबल होगा। तो हम कहते हैं कि 6 to 9 month दवाई खाएं तो मैक्सिमम कान है कि ये जिस तरह पौधा पैर पे खड़ा होगा आप भी हमें पैर पे खड़े हो जाए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ज़ुबैदा अदीब नॉर्थ नाज़िमाबाद। आई एम सॉरी आपको लंबा होल्ड करा है। लंबा होल्ड करना पड़ा, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी ज़ुबैदा साहब। अच्छा बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आओ बात करें। और डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि हमारे यहाँ एवरी थिंग इज अवेलेबल, मटीरियलिज्म बड़ा ये सब है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ऑलवेज नेगेटिव, हर बात में एक दूसरे को काटना, नफरत दिखाना और हसद करना, किसी की तरक्की से कोई खुश नहीं होता और ना ही उसको एंकरेज किया जाता। इवन घर में पेरेंट्स जो है इनका इंटरेक्शन नहीं बच्चों के साथ, बस सुबह स्कूल गया, 2-2.5 बजे आया, खाना खाया, सोया, उसके बाद उठा, चलो भाई चलो होमवर्क कर लो या मौलवी साहब के पास, मतलब ये कि वो बच्चे को रिलैक्सेशन है ही नहीं। तो नतीजा है कि ऑलवेज उदास है, एनजाइटी है उसमें, और वो डरता है पेरेंट्स के साथ स्पेशली बात कर। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि टीचर्स भी हैं वो बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग नहीं करते, घर पर आकर बच्चे कहते हैं हमें ट्यूशन लगा दें, या माँ बाप से बच्चा पूछता है तो वो कहते हैं तुम देख नहीं रहे कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो डॉक्टर साहब वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रही, टीचर्स को भी मैं तो कहती हूँ चाहिए बच्चों से इंटरेक्शन करें, आओ बात करें, पूछें सवालात पूछें और बच्चों को खुश रखें, इवन पेरेंट्स के लिए। प्लीज जरा इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जी, बेहतरीन कॉल थी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त चीजें आपने डिस्कस की। दरअसल ये बात बहुत सही है कि अब माँ बाप के पास, टीचरों के साथ पास टाइम नहीं है। पहले बैठक में लोग बात सुनते थे, एक दूसरे को एडवाइस करते थे, अब ये सूरत हाल रही नहीं, इंटरेक्शन कम हो गया है, तो पॉजिटिव पहलू की भी बात नहीं होती। दूसरा फिर बच्चे को डरते हैं, चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती बड़ों से बात करता है, अरे बड़े से बात नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, तो हम उसके अंदर शर्म और वो इंड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से वो फिर घबराया होता है, तकरीर नहीं कर पाता। तो लिहाजा ये बात सही है कि हम अगर उसको पॉजिटिव आस्पेक्ट में देखें, सिर्फ नेगेटिव ना देखें। अगर देर से उठ रहा है तो उसका तो तस्करा करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको नहीं देखते। हालांकि सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला को तारीफ की ज़रूरत नहीं है, बेनियाज है, लेकिन फिर भी हर रकात में चाहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ है अल्लाह की। अगर हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि माशाल्लाह वेरी गुड, तो उससे उसकी कारकर्दगी और अच्छी हो जाती है। वो पहलू है नहीं, फिर अल्लाह ने जो हमें दिया है, ये मसलन मुझे अकल नहीं देता या कद नहीं देता या बाल नहीं देता, आंखें नहीं देता, जो दी हैं। अच्छा, उस पहले ज़माने में किसी हम फ़ोन लग जाता था, ओ इतने सारे, अब हर एक के पास मोबाइल ज़बरदस्त किस्म के हैं, एंड्रॉयड फ्ला हैं, तभी खुश नहीं है। अच्छा, तो और दूसरी बात यह कि इसमें मीडिया और दूसरों का भी बड़ा कसूर है। आईफोन, आईपैड, आई भाई वीवी होना चाहिए, तो सब आई आई आई, मैम। अच्छा, आप किसी को 50 जो है अवार्ड भिजवा दें, मैसेज करें, उसका कोई असर नहीं होगा, उसको पता लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल, लेकिन एक नेगेटिव आपने मैसेज कर दिया वो उसके दिमाग में चिपक जाएगा। तो पॉजिटिव पहलू जो था, जो घर की तरफ से, वालदेन से, असातिज़ा से या मौलवी साहब से मिलता था, वो है नहीं, जिसकी वजह से हम जो है
बिखर गए हैं, और इस लिहाज से हमें चाहिए कि जो अल्लाह ने दिया है उस पे नजर रखें, जो नहीं दिया उसके लिए कोशिश करें, और ये भी सोचें कि दुनिया है, जन्नत तो है नहीं कि हर चीज 100% मिले। नबी इन्हों की जुबान में लुकन थी, जिस्म में कीड़े थे, हम क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल, और बात यही है डॉक्टर साहब कि हम बात ही नहीं करते। अगर एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब माँ मना करती है तो फिर बाप बिजी है, वो मना करता है, स्कूल जाता है तो टीचर मना, बात करने से रोकती है, हर कोई बात करने से ही रोक देता है। बात ही नहीं करेंगे तो फिर यही मामला होंगे, ज़हनी सेहत रुक जाएगी। इस पे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इंसान और जानवर में बाकी तो फर्क है लेकिन एक बार की कम्युनिकेशन का है कि जानवर लाते मार के वो अपना मुतालबे कराता है और इंसान जो है शायस्की से। और मैं तो कहता हूँ देखिये ना, यूरोपियन मुल्क जो है वो अगर आपको वीजा या रिफ्यूज करते हैं या नौकरी से निकालते हैं तो इनकी शाइस्की से बात करते हैं कि यू आर वेरी कैपेबल बट अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर कैपेबिलिटी, देयरफॉर इट इज रिग्रेटेड। वो इस लिहाज से अगर किसी को आपने इनकार भी करना हो, गाड़ी मांगी बस, तो उसको हर्ट ना हो, उसको शाइस्की से। यही कमाल है कि शाइस्की से, और ये हमारे नबियों ने भी ये कहा है कि हर बात करें तो ऐसे। बिल्कुल, रवैये बड़े अहम है, इसके ऊपर डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तालीम हर बार जो बुनियादी हक है, बोर सब पैदा थियल इन हंगामी हालतुन में भी तालीम जो अमल रुकजन न घुर्जे। तालीम खाते बोर मुतासर इलाइकन में बारन लाए आरजी स्कूल जोड़िया आहिन। सभी बोर्ड मुतासर वालदेन के गुजारिश कजे थी तो पांजन बारन के उनन स्कूलन में दाखिल कराइन, तो जी उनन जो तालीमी अमल बिना रुकावट जारी रहे। यू पैगाम हुकूमत सिंध तालीम ए खानगी खातो ए यूनिसेफ के तावुन से पेश कयो पियो वञे। आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में, जो आप हर पीर मंगल और जुमेरात को 10 से 11 बजे तक सुनते हैं सामीन हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से। और सामीन, हमारे इन तमाम हेल्थ के शोज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम आपको सेहत से मुतालिक आगाही दे सकें, और हम अपने डॉक्टर्स को सीधे स्टूडियो में बुलाते हैं। अगर आप कोई भी उनसे सवाल करना चाहें तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 02111100105 के ऊपर। फेसबुक पे लाइव देखना चाहें तो www.fb.com/hotfm105 पे लाइव देख भी सकते हैं, और अगर आप ना आज देख सकें तो अंबर रजा के यूट्यूब चैनल पे भी तमाम शोज मौजूद हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है, और बहुत ही अहम मौजू है, आओ बात करें जहनी सेहत की आगाही मुहिम। और हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, और डॉक्टर साहब जिना हॉस्पिटल में हेड ऑफ साइकेट्री और डीन भी रह चुके हैं, अभी ही रिटायर हुए वहाँ से। इस वक्त राइट नाउ ही इज़ अ डीन साइकेट्री CPSP। डॉक्टर साहब एक कॉल पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? फरहाज बात कर रहा हूँ कराची। जी फरहाज साहब, मुझे डॉक्टर साहब से एक चीज पूछनी है। मेरा एक बेटा है 7 ईयर्स ओल्ड, जी वो बाय बर्थ उनको वाइडोम सिंड्रोम है, जिसमें उनको कॉकलर इम्प्लांट करवाया था। क्या, सॉरी, कौन सा सिंड्रोम है? वाइडोम सिंड्रोम है, वो बाय बर्थ डेफ थे। जी जी। तो उसके बाद उनका कॉकलर इम्प्लांट करवाया था, वो सुन सकते हैं, और वो डायबिटिक भी है। जी। अच्छा, लेकिन आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वो काफी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और एक चीज जिद बहुत ज्यादा, एक चीज के पीछे बस पड़ जाना, रोना, जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए। जी, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि अगर आपको विजिट करना हो तो कहाँ कर सकते हैं सर? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, दरअसल आपने जो बताया उसको, जाहिर है वो सुनता सही नहीं है, फिर आपने इम्प्लांट किया सारे, उसके साथ शुगर भी है, वो जो बच्चों को मीठी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो इस लिहाज से वो इजहार कर रहा है। तो उसमें बात ये है कि गैर ज़रूरी उसके पीछे जो अमूमन होता है आपने ख्याल रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको डिपेंडेंट ना बनाएं, उसको थोड़ा सा उसकी बाकी सलाहियतें उजागर होंगी। और होता यह है कि जब बंदा कम सुनता है तो इर्द गिर्द वाले जब बात कर लेते हैं और हंसते हैं, वो सोचते हैं शायद मेरी कोई गलत चीज़ पे हंस रहे हैं, तो लिहाजा उसे कम्युनिकेट करते हुए एक तो जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट जो है उसका ठीक होना चाहिए, उसकी सेल फलां फलां चीज़ें, और इसी तरह जो कान का आला लगाते हैं उसके सेल पूरे होने चाहिए,
और दूसरी बात स्लोली उसे कम्युनिकेट करें और इनकरेज करें कि वो धारे में आए, वो महसूस कर, ये ना करे कि मैं सारा डिपेंडेंट हूँ, तो लिहाजा उससे ये होगा कि वो चिड़चिड़ापन कम होगा। यानी आप लोग उसको एक्सरसाइज पे आमादा करें, अगर पानी पूरा पिए, एक्सरसाइज करें, शुक्रगुजार रहें, तो चिड़चिड़ापन बहुत कम हो जाता है। और अगर आपने इस सिलसिले में कभी रुजू करना हो तो जिना हॉस्पिटल के में फ्री है, और दूसरे हमारे अपने इर्द गिर्द जो करीब साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा कि इसके साथ कैसे रवैया रखा जाए, उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और इनक्रेज करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। हम ब्रेक से पहले रवैये के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारे अल्फाजों का इस्तेमाल, शाइस्तगी, रवैये, ये सब ख़राब हो चुके हैं और हमारे पास सब्र का पैमाना भी ख़त्म हो चुका है। तो हम आसपास जब यंग यूथ की भी बात करते हैं और फिर साथ साथ हम अपने आसपास बूढ़े लोगों की भी बात करते हैं, तो हमारे रवैये क्या लोगों को ज़हनी मरीज़ बना सकते हैं? बिल्कुल, ये है कि देखिए बात यह है कि जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर आन हों या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो सपोर्टिव होते हैं तो उससे बड़ा मसला हल होता है। और लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा है कि जब आप अच्छा काम करने लगते हैं या क्लास में अच्छी तकरीर करने लगते हैं तो आपके साथी बुलिंग भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं आपके ऊपर, बजाय ये कि जबकि हमें बताया गया है और ये है कि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ हो। तो लिहाजा अगर हम अच्छा रवैया रखेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे कि माँ बाप लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ेंगे, अगर वो माँ बाप शायस्की से बात कर देंगे तो वो भी शायद, तो जो चीज़ उनके दिमाग में बच्चों के या इवन टीवी, इसलिए मार धाड़ वाली फिल्में जो हैं, मार धाड़ वाली फिल्मों का असर बच्चों पे ख़राब होता है। और जो आजकल गेम दिखाए जा रहे हैं कि मारना मारना, बचाना बचाने वाले गेम नहीं है, और मारने मारने वाले गेम है, जिसकी वजह से कोई सोचता है कि शायद मारना ही अच्छाई है। इसी तरह से अगर एक ड्राइवर जो है इनको ये शुरू से बताया जाए कि आप कितना शाइस्की आराम से सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं बजाय कितनी रफ ख़तरनाक ड्राइविंग कर लें, तो वो कंपटीशन उसमें ना हो, उस कंपटीशन इसमें होगा, तो इससे फिर हमारे रवैयों से इर्द गिर्द के लोग जो है वो आसानियाँ होंगे। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम देखें कि मैं इर्द गिर्द के लोगों को, चाहे फैमिली मेम्बरान हों या साथी हों, क्या आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ बजाय उनके लिए रुकावट पैदा करूँ, तो जिसकी वजह से ये मुआशरा जो है एक ज़बरदस्त किस्म की वो उस पनपने पाएगा और ये दुनिया ही जन्नत हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम गुस्से की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं यानी नरमी से बात करते हैं, हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत सटल होती है और वो ज़हनी मरीज़ भी कम नज़र आते हैं, लेकिन जो लोग बहुत चीखते धाड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, क्या वाकई का गुस्सा ज़हनी सेहत को ख़राब करता है या हम कहें कि इनको कोई नफ्सियाती मसला और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? लेकिन बात यह है कि जो गुस्सा जो है, गुस्सा क्या है? चलें लोग, अच्छा हमारे पास आते हैं मरीज़, कहते हैं कि मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, सही बात, मैंने कहा सही बात पे तो किसी को भी नहीं आता, अगर गलत पे ना आए तो फिर नल्ला मा साबरीन, उसका फल मिलता है। तो आप अगर आपको शाइस्की से वो करेगा तो उस पर तो किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपको जब गलत बात करे उस पर रिएक्ट ना करें। तो बात यह है कि गुस्से अब क्या चीज़ है, दूसरे की हिमाकत देख रहे हो कि दूसरे ने अपने आप को तंदूर में डाल देना, सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो गुस्सा कर रहा है उसको होता है और उसकी सीक्वेंस में दूसरों को होता है। तो लिहाजा ये है कि गुस्से की वजह से अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने का इम्कान, कारकर्दगी ख़राब होती है। तो लिहाजा इंसान देखे कि मेरे गुस्से से मुझे और इर्द गिर्द को और जो मसला जिसके लिए कर रहा हूँ वो गंभीर हो रहा है या खराब ठीक हो रहा है, तो इसको एनालाइज करना चाहिए कि हम जो जिस अंदाज, तो बाज़ अवकात ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये मुँह मिजाज की बीमारी जिसमें डिप्रेशन और बायपोलर बीमारी जिसमें मैनिया है उसमें होता है कि हर बात में तेज़ी, हर चीज़ पे गुस्सा, तो इसको हम फिर इलाज करते हैं। और एंगर मैनेजमेंट सिस्टम, अभी 28 तारीख को हम एक वर्कशॉप ही कर रहे हैं सिलसिले में कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, तो उसके तरीके एंगर में बहुत अहम बात है। जी सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ कॉल में? वालेकुम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। अली बात कर रहा हूँ। जी अली सर। जी अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? अली से। जी अली, पूछना था कि ये खुदकुशी का रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान में, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ खुदकुशी की खबरें आती हैं अखबार में, क्या
کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا ذہنی دباؤ ہو سکتے ہیں, کیا معاشی کا مسئلہ ہے یا یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ پلیز تفصیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ علی, بہترین کال. جی جی, آپ کا بہت شکریہ. اور سلسلہ یہ کہ 10 ستمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے ہر سال, ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے, یعنی عالمی خودکشی کی روک تھام کا دن. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ افراد ہر سال خود کو مار دیتے ہیں, اور تقریباً ہر 40 سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک خودکشی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت سیویئر اسٹیٹس ہے کہ ہم اس کے لیے روک تھام پہ بڑا زور دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ سوسائڈ کے 70% افراد کو ڈپریشن ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کا انڈر لائن ڈپریشن اگر کوئی ٹھیک کرے تو اس کی وجہ سے سوسائڈ نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں اگر کیمیکل سیروٹونین کم ہو جائے تو ہر چیز نگیٹو پہلو نظر آتی, جیسے ڈارک گلاسز پہنے ہوں ہر چیز نگیٹو بلیک نظر آئے گی. تو مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میں امتحان دوں گا تو لازمی فیل ہوں گا, یہ کاروبار کروں گا تو یہ ہوگا, اگر منگنی کے لیے میرا رشتہ جائے گا تو نہیں ہوگا, ہر چیز نگیٹو ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم ان کی ایسی دوائی دیتے ہیں کہ ان کا سیروٹونین کا لیول ٹھیک ہو, یا اس کو سائیکو تھراپی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ جو آپ کی کامیابی ہیں اس پہ تو آپ نظر رکھ نہیں رہے ہیں, جو ناکامیاں ہیں اس پہ نظر رکھ رہے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ مایوسی گنایا ہو, اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے لوگ ناکام ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے جو تجربے پہ بلین روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. اور پہلے اگر محمود غزنوی پہلے حملے پہ کامیاب ہوتے تو اتنے مشہور نہیں ہوتے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک بار ناکام ہو گئے یا ایک بار فیل ہو گئے یا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی, پھر نئے ولولے کے ساتھ آپ آئیں. تو لہٰذا اس کو اس قدر وہ کر کے, اچھا پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے ریلیف ملے گا, میں اگر خود کو مار دوں تو پیچھے مسئلے حل ہوں گے. پیچھے مسئلے حل نہیں ہوں گے, جو سفرر ہیں آپ کے پیچھے رہنے والے ان کی زندگیاں گمبھیر ہو جاتی ہیں, بچے ماں باپ ساری عمر جو ہے وہ پھر جو ہے تڑپتے رہتے ہیں. تو مسائل کا حل یہ نہیں ہے, مسائل کا حل یہ کہ اس کو صبر کریں, نہ لام آسابرین, کہ ہمارے دنیا میں لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں ہیں, اللہ نے ہمیں کیا اچھائیاں دی ہیں, اس پہ نظر رکھیں, پھر ہمیں جو ہے یہ سوسائڈ والے آئیڈیا نہیں آتے ہیں. اور یہ بات آپ کی صحیح, جب سوسائڈ والے مریض آتے ہیں تو ہمیں نہ صرف دوائی بلکہ مشین سے ای سی ٹی سے زبردست قسم کا علاج ہوتا ہے, ایک دم اس کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب, جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے کہ آؤ بات کریں, تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں خودکشی کے معاملات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ذہنی الجھنوں میں خود کو بس بند کیے ہوئے ہیں نا, ہم بات ہی نہیں کرتے, آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرتے, کمیونیکیشن لیول زیرو ہر رشتے میں. یہ بات آپ نے صحیح کہی, ہمارے ہاسپٹل میں ایک, اب میں اس کا یہ اسپیسیفائی نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا, ایک معالج میں جو کردار ادا کرنے والی بچی نے خود سوسائڈ کیا, میں انکوائری آفیسر بنا. اور میں نے جب اس کی انکوائری کی تو صبح سے وہ ہر بار کوشش کر رہی تھی کہ کوئی بات کرے, کوئی سننے والا نہیں تھا. اور آخر میں جب اس نے ڈاکٹر نے اسے ڈرپ مانگی تو اس نے پھینکے ماری. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا پاگل ہو گئی. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ آمادہ نہیں ہیں کہ اس پہ بات کریں, کہ اپنی اداسی مایوسی کا اظہار کریں, اسے سننے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ تو ایسی ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں برستے نہیں, سوسائڈ کے معاملے میں بڑا سیریس لینا چاہیے. جو سوسائڈ کا انڈیا دیتا ہے, جو گرجتے یہاں پہ جو گرجتے ہیں وہ برستے ضرور ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ سوسائڈ کرنے والے بندے نے, زیادہ تر لوگوں نے کچھ نہ کچھ انڈیا دیا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو سنتے نہیں. تو لہٰذا ایک تو آؤ بات کریں, دوسرا لوگوں چاہیے کہ ہم سنیں, اچھے سامعین ہوں, اس سے وینٹیلیشن ہوتی ہے. تو میں مجھے یقین ہوا ہے, میں نے اس پہ لکھا کہ کاش اس کی بات کوئی سنتی تو وہ بچی جو سوسائڈ نہیں کرتی. اور اس کے لیے پھر روک تھام کے لیے ہم نے کچھ بندوبست کیا, ہم نے جناح ہاسپٹل میں ایک بنایا شفیق گوشہ عافیت. شفیق میرے استاد کا نام تھا اور گوشہ عافیت کے آئے اور اس میں گرین روم بنایا, اس کو دکھاتے تھے کہ بھائی دنیا صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے, باقی پہلو بھی ہیں. اور اس میں ہم نے سوسائڈ کا نہیں رکھا, ہم نے رکھا پروموشن آف مینٹل ہیلتھ اینڈ پریونشن آف ہارم,
یہ نقصان سے بچاؤ، ذہنی صحت کا فروغ اور نقصان سے بچاؤ. خودکشی لفظ بہت خطرناک سا ہے، تو ہم خودکشی کو جب اسیس بھی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں بولتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو، کیا اس قدر ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی چھا جاتی ہو، یا ایسے لگتا ہو کہ زندگی بیکار ہے، ختم ہو جائے. پھر اس طرح سے سلولی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ خود کو ختم کرو. یہ خودکشی لفظ جو ہے یہ تھوڑا ویسے یہ حرام ہے، اس کا نام نہ بھی لیتے. اچھا سامعین، بہت ہی خوبصورت شو اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی. 15 منٹ اور ہیں، چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو کال کریں 02111100105 پہ. اسٹے ٹیون ود اس، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. آج کل اکاؤنٹ کھلوانا بہت مشکل ہے یار، اتنے ڈاکیومینٹس مانگتے ہیں کہ بس. کبھی کہتے ہیں یہ لاؤ تو کبھی کہتے ہیں فلاں کاغذ لاؤ. کون سے زمانے میں ہو تم؟ اپنا ایچ پی ایل جیسا آسان اکاؤنٹ صرف اپنی درست سی این آئی سی سے ہی کھلوا سکتی ہو. اب ہر عورت بڑھے گی آگے اپنے ایچ پی ایل نسا آسان اکاؤنٹ کے ساتھ. گھریلو خواتین سے لے کر طلبہ اور ملازمت پیشہ خواتین تک سب کو ملے مکمل مالی خود مختاری، فری انشورنس اور فری ڈیبٹ کارڈ جیسے بے شمار آسانیاں. تو بس اپنا درست سی این آئی سی لائیں اور آج ہی آسانی اپنا ایچ پی ایل نسا آسان اکاؤنٹ کھلوائیں. مزید تفصیلات کے لیے اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ تشریف لائیں یا 111111425 پر کال کریں. جہاں خواب وہاں ایچ پی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین آج آؤ بات کریں پہ بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی آگاہی مہم جنکس فارما کی جانب سے. اور سامعین پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اور ڈاکٹر اقبال کی بہت ہی خوبصورت آج کی باتیں ہیں. اور زندگی میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نہ اچھے سننے والے ہیں نہ ہی ہم کسی سے اچھی بات کہنے والے ہیں. تو سامعین یہ دونوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اگر سن اچھا سکتے ہیں تو آپ کہہ بھی اچھا سکتے ہیں. تو سامعین بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یقین کیجئے کہ یہ بات کرنے سے آپ بہت سارے معاملات کا حل نکال سکتے ہیں. اپنی مصروف زندگی میں اپنے جو قریبی رشتے ہیں، اپنے بہترین دوست، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنے آفس میں آس پاس کے جتنے لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے، جن کی وجہ سے آپ کی زندگی چل رہی ہے، ان سے بات کرتے رہیں تاکہ اگر کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہو تو ہم اٹینڈ کر سکیں ڈاکٹر کو، کہ اس کو مشورہ ہی دے سکیں کہ ہمیں آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آگے چلتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم ڈپریشن انزائٹی کی بات تو کر رہے ہیں، اس کا ہم جو ڈیلی ورزش کرتے ہیں، ہماری ایکسرسائز، کیا نارمل اور ایسے کیا ٹپس آپ دینا چاہیں گے کہ اس سے ہمارے انزائٹی ڈپریشن کا جو دباؤ ہمارے ذہنوں پہ ہے وہ کچھ کم ہو؟ ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا کہا. میں یہ کہوں گا کہ اوور آل اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری جسمانی اور نفسیاتی مسائل کم ہوں اور بیماریاں کم ہوں، میں صحت مند ہوں، آسودہ خوشحال ہوں، اس کے لیے انفرادی طور پر اگر ہم اپنی سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں اور اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت اور ایمیوزمنٹ ایکٹیویٹی. اب ایکسرسائز کا بڑا ڈائریکٹ رول ہے. اگر ہم حرکت میں برکت ہے، اب یہ سائنس سے ثابت ہویا، جب ہم موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں انڈورفین، انکیفلین اور پی ڈی این ایف، برین ڈرائیو نیوٹروفک فیکٹر نکلتے ہیں جو اداسی کو بھی ختم کرتے ہیں، خوش حشاش بشاش کرتے ہیں، کنسنٹریشن اور یاداشت کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں، شائستگی کریں، تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ. اگر ساس بہو کی آپ اس کی کمیونیکیشن ٹھیک کریں، استاد شاگرد کا، سینئر جونیئر کا، تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے.
कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम एक घर की बात करते हैं, नॉर्मल वो घर जिसमें 5 से 6 अपराध रहते हैं, ठीक है, तो घर में, घर का माहौल जहनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, हर शख्स की जहनी, जो घर में 6 लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमने अपने जो पहला स्टेप है, हमने अपने घर से ही उसको ठीक करना है, तब हम माशरे ओवरऑल सब लोगों को सही कर सकेंगे। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए कि आप खुश रह सकें? दरअसल बात कुंबा जो है जिसमें हम रहते हैं, वो सबसे करीबी, सबसे जो हम मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड मेन सोर्स ऑफ नर्चरिंग और मेन सोर्स ऑफ तरक्की है और खुशहाली है। तो अगर हम अपने ये देखें कि हर इस, जिस तरह गाड़ी का टायर की अपनी अहमियत है, तो स्टीयरिंग की अपनी अहमियत है, तो अगर हम सब इस कुंबे में रखें कि छोटा बच्चा, चाहे वो अपने एंगल से देख रहा है या बेटी है या वो है, उसमें अगर हम अपने रवैयों को ठीक करें, तो हमें इस फिज़िकल और इमोशनल दोनों और साइकोलॉजिकल वेलबींग हो जाती है। सेहत के लिए ज़रूरी है कि अगर जो है वो मेरे वाल साहब बड़ा अच्छा वो करते थे, पश्तो में एक वो था, मैं उसका उर्दू तर्जुमा किया है कि नंगे पैर बंदा अच्छा है न कि जूता पैर में तंग, और बेघर आदमी अच्छा है न कि घर में हमेशा जंग। तो घर में अगर हाँ सड़े खदे न बूट पपो के तंग, और बेकोरा सड़े खदे न पकोर के हमें जंग। मतलब ये है कि अगर हम कुंबई, जिस यहाँ रह रहा हूँ मैं, जहाँ ज्यादा मेरा वक्त गुजर रहा है, 8 घंटे नींद, बाकी चीजें, खाना पीना, वो अगर मेरे लिए वो नहीं है, सूदिंग नहीं है, तो इसकी वजह से बड़े मसले पैदा होते हैं। और ये है कि अगर बंदा, इसलिए कहते हैं कि सोशल हेल्थ जो समाजी है, उसमें ज़रूरी है कि आप अपने घर में फिट हों, जहाँ काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें फ़िट हों, और मोहल्ले में जहाँ रह रहे हैं उसमें फ़िट होना चाहिए। तो सबसे सोशल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि अपने फैमिली में बंदा ठीक ठाक और फ्रेश और फिट हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह प्रोग्राम तो ज़बरदस्त हम सुन रहे हैं, और हम तो बड़े अच्छे से प्रोग्राम सुनते हैं। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, अच्छी चीज़ जो ना ख्यालात का और अपने तजुर्बे का इजहार करते हैं। मेरा प्रोग्राम आज आपने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब टॉपिक रखा आपको जिंदगी से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी 39 साल 40 साल उम्र है, मैं ब्लड प्रेशर मुझे रहता है और सरकारी जॉब करता हूँ, तो वाक का टाइम भी नहीं मिलता है, ऐसी जॉब है, तो इसमें कोई एडवाइस दें कि मैं ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट X4 ना खाऊं। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें एक तो पानी का इंटेक ज्यादा करें कि आप जरा रिलैक्स रहें, और कोशिश करें कि वेट खाना कम खाएं, और देखें आप अगर 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दूर मस्जिद जाएं, या खड़े खड़े एक जगह 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, तो उससे आपके एकदम ब्लड प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा, और आप तनाव भी नहीं होगा, आपका टेंशन भी कम होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 15 मिनट वर्जिश करें तो आपकी जो कारकर्दगी दुगनी हो जाती है। मेरी मर्जी चलती तो मैं हर क्लास के बाद 1 घंटे बाद हर बच्चे को 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कराता, फिर उसको कहता दोबारा बैठो। मैंने ये अपने आप पर अप्लाई किया है, जब मैं FCPS कर रहा था तो 18.5 मिनट बाद चूंकि तवज्जो आधी रह जाती है, तो हर आधे घंटे बाद उठ के पानी पी लिया, नमाज के लिए गया, तो उस सब कहते थे कैसे पढ़ रहे हो, मैंने कहा आप लोगों से पहले पास होंगे, और ऐसे ही हुआ। तो बात यह है कि अगर आप 15 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, उससे आपकी कारकर्दगी भी ख़राब होगी, और इसके अलावा बीमारियां भी होंगी, वेट बढ़ेगा। तो और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी, यानी एक बच्चा अगर 15-20 मिनट एक्सरसाइज की, तो उसकी 2 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे बच्चे क्या, हम क्या सारा सारा दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, नॉन स्टॉप, आंखें भी नहीं झपकते। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं तो चूंकि इतना मसरूफ हूँ, मैं तो 3 आदमी इतना काम कर रहा हूँ गुज़िश्ता 35 साल से, कि फिर मैं मरीजों को करके दिखाता हूँ कि ऐसे वर्जिश करो, तो मेरी 1 मिनट वर्जिश हो जाती है। तो हर एक मरीज को तो करता नहीं हुआ ना, फिर मशहूर हो जाएगा कि ये जंपे मारने वाला डॉक्टर है। तो फिर मैं उसको कहता हूँ सुभानला अल्हम्दुलिल्लाह करके करते रहे, तो 8-10 मरीजों को करता हूँ तो 10 मिनट मेरी वर्जिश हो जाती है रोजाना। बिल्कुल बेहतरीन डॉक्टर साहब, आई जस्ट लव इट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने इतनी जबरदस्त बात लिखी है कि आप ये क्या कहते हैं, अगर 5 वक्त इंसान बाकायदगी से नमाज पढ़ ले तो कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी है, और वो कहते हैं ना जब आप सजदे में जाते हैं तो आपका वैसे ही आधा जहन ठीक हो जाता है।
ये आपने बड़े बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही अपने परसों अपने दोस्त से जो है नैनो टेक्नोलॉजी से बात कर रहा था कि हम कैलकुलेट करें कि हम वुजू और पांच वक्त की नमाज पे कितनी कैलोरीज लगती हैं, क्योंकि अभी हमारी कैलोरीज बच रही हैं। पहले टीवी को ऑफ करने के लिए उठना पड़ता था, फ़ोन सुनने के लिए उठना पड़ता था, पावर स्टेयरिंग नहीं थे, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हैंडल वाली से स्टार्ट होता था, मोबाइल का टच और हाथ का टच, बाथरूम दूर होते थे, लिफ्टें नहीं थी। अब हमारी 400-500 कैलोरीज मुफ्त की बच रही हैं, या तो हम इनटेक कम करें और या फिर ये है कि अपना इसका इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज फलां वगैरह। तो लिहाजा इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें अगर पांच वक्त नमाज भी पढ़ें और दूर वाली मस्जिद में पढ़ें ताकि सूरज की रोशनी लगे, विटामिन डी बने, और साथ साथ जो है खुशू वजू के साथ वजू कर नमाज पढ़ लें, तो हमारा बहुत सारा टेंशन भी कम होगा और हमारी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है, और यकीनन अल्लाह की इबादत आपको हर किस्म के नफसियाती मसलों से निकाल सकता है। डॉक्टर तो हमेशा मौजूद ही होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे ऊपर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर के 2-3 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूँगी कि आखिर में आपका इतना खूबसूरत पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है, आप इतने मुल्कों में जा चुके हैं, इतने लोगों के आपने पूरी दुनिया में देखा कि लोगों को किस तरह नफसियाती मसले हल किए जाते हैं, आखिर में कोई टिप देंगे कि सामीन को कि आप खुश कैसे? हाँ, इसके लिए यही है कि मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो ये है कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर नज़र रखें। मतलब मुझे या आपको अल्लाह एक आंख नहीं देता, या बाल नहीं देता, या कद नहीं देता, अकल नहीं देता, या मौका नहीं देता कि पढ़े। मुझसे मैं अपनी देखता हूँ कि मेरे कई लोग जानने वाले हैं जो मुझसे अच्छे खूबसूरत भी हैं, ज़हीन भी हैं, मौका ही नहीं मिला कि वो पढ़ें। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैं, वरना तीरा का इलाका हमारा पाड़े चिनार की पैदाइश है, मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं जिना हॉस्पिटल में काम करूँ, तो मैं अपनी FCPS ना करता, फिर बाहर की डिग्री ना करता। तो इस लिहाज से जो अल्लाह ने दिया है उस पर नज़र रखें, शुक्रगुजारी वाले पहलू देखें, और हर हाल में खुश रहें, और जहन में रखें कि वक्ती तौर पर जिस तरह जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, तो अगर रात है तो उसके बाद सूरज दिन निकलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि परसिस्टेंट हो, वक्त के साथ तब्दीली आती है। और जो अभी उस पर गुजर रहा, आपने खुद देखा कि लोग इतने मसाइल में शिकार हो के फिर ऊपर चले जाते हैं, तो लिहाजा खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम शुक्रगुजार रहें और जो अल्लाह ने दिया है उस पर नज़र रखें, जो नहीं दिया उसके लिए जद्दोजहद करें, और ये भी देखें कि ये जन्नत नहीं है, दुनिया है, इसमें हर चीज़ हर के की 100% रिजल्ट नहीं आते, और 100% बनने की भी कोशिश न करें। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई, इवन नबियों की ज़ुबान में लुकन थी जिससे मैं कीड़े थे, तो लिहाजा परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर आप 70% ठीक हैं, 70% काम किया, तो इसमें ए ग्रेड हो गया। बिल्कुल खूबसूरत बात, ए ग्रेड हो गया। और इसी तरह ये बात उन तमाम माओं के, अब उनके लिए भी, कि अपने बच्चों को भी ना नॉर्मल ज़िंदगी में पढ़ने दीजिए, उन पर फोर्स मत कीजिए कि उनको ए ग्रेड या ए प्लस लाना है, उनको जहनी तौर पे अच्छा इंसान ग्रो करने दीजिए। ज़रूरी है कि तालिबे डिग्री नहीं हो, मैं कहता हूँ हर हाल में, अभी सिंगापुर में उन्होंने चेंज किया कि बड़े हाई मार्क्स इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, जो इमोशनल क्वेश्चन है, और वो बच्चों को सिखाते हैं कि खुश रहना सीखें। हाई मार्क्स ज़रूरी नहीं है खुशी का बायस, ये खुशी है किसी की मदद की, अपने वालदेन की, सबकी खिदमत की, इसमें मेहमान की खिदमत की, उस जिस तरह मेहमान के सामने बिच जाते हैं, इस तरह से अगर हम अपना काम करें तो बहुत मसला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे शो में आए और सामीन को मुफीद बातें सुनने को मिली। आजकल का तो वो दौर भी नहीं रह गया कि कोई अच्छी बात आपकी होने वाली ज़िंदगी से मुतालिक बात कर सके, आपका टाइम बहुत कीमती है, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी। सामीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में डॉक्टर साहब, वैसे आप रेडियो की अफादियत पर कुछ कहना चाहेंगे, एक लगाव कैसा लगा वैसे आपको यहाँ पर आके? बहुत खुशी हुई, और बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे, और मुझे लगा कि यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, और साथ अच्छे सवाल भी लोगों ने पूछा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, महसूस ही नहीं हुआ कि एक घंटा कैसे गुजर गया। सामीन अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत पे भी फोकस कीजिए, दोनों मिलके साथ साथ चलेंगे तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।